फोर्थ क्लास, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर 3 एंड एक्सरसाइज इज़ 5.7। अच्छा, इसका किस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग द नंबर। देखें, आपने फ्रैक्शन को इक्वल रखना है, मीन्स दोनों फ्रैक्शन इक्वल हों, ठीक है। बट हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद भी इक्वली रख सकें, मतलब 1/6 है ना। तो जिस तरह से ये है, इसी तरह से दूसरी फ्रैक्शन बनेगी, मीन्स सेम नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद भी वो सेम उसी तरह रहे। किस तरह से, अब देखें, ये देखें, फ्रैक्शन है 2/5, ठीक है, मीन्स टोटल पार्ट्स 5 हैं और 2 कलर्ड, ठीक है। अब हमने 3 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है, 3 को डिनोमिनेटर से भी मल्टीपल कर दिया और नोमिनेटर से भी कर दिया, मीन्स अगर इंक्रीज 3 टाइम्स 2 हुआ है तो 3 टाइम्स इंक्रीज 5 भी होगा, तो वो सेम इक्वल पॉइंट पे आ जाएंगे। किस तरह से, ये देखें, क्योंकि दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं हुआ कि 2 को इंक्रीज़ किया और 5 को नहीं किया, या 5 को डिवाइड कर दिया 3 को मल्टीपल कर दिया, ऐसे नहीं किया, इसलिए इक्वल में इसमें आया। अब ये देखें, अच्छा, पहले ये फ्रैक्शन बना ली, फिर ये 6/15 है। अब ये देखें, टोटल पार्ट्स 15 थे, 6 कलर्ड कर दिए, तो ये वही बात आ जाएगी, मीन दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो के इक्वल होंगे। इसी तरह से आपको गिवन है इधर कि आपने 2 को 2 से मल्टीपल करना है नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी, तो 2 1 2 एंड 6 2 12, ठीक है। इस तरह होने के बाद भी इक्वल एंड है, क्यों, क्योंकि जब नोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, इसका नोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो इसका भी, जब इंक्रीज़ की नोमिनेटर को इंक्रीज़ किया तो डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज़ किया, तो जिस रेशो से नोमिनेटर को इंक्रीज़ किया उसी रेशो से हमने डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब ये डिवाइड है, इट मीन्स 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा, 3 2 6 और 3 3। अभी देखें, वही बात है, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं जिस रेशो से, तो हम इसको भी तो कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसीलिए इक्वलेंट है। मज़ीद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें मज़ीद एक्सप्लेन, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, उससे उन एग्जांपल्स आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर है, फाइंड मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल एंड फ्रैक्शंस। आपने मिसिंग नंबर्स राइट करने हैं। अब ये देखें, आपको नॉमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर आपने खुद बताना है। अब नॉमिनेटर आपके माइंड में खुद ही आएगा कि 5 कैसे बनाए, 1 को किस चीज़ से हमने मल्टीपल किया कि 5 आया, 5 से किया ना, तो जब नोमिनेटर को 5 से करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 5 से करेंगे, क्योंकि हमने सेम रेशो यूज़ करनी है, 5 5 ज़ार हो जाएगा 25। फिर इसी तरह से 32 है, तो 8 को हमने किस चीज़ से मल्टीपल किया कि 32 है, किस नंबर से, तो 8 4 ज़ार 32, तो नोमिनेटर को 4 से मल्टीपल करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 4 से करेंगे तो 9 4 ज़ार 36, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब आपने जो एस्पेक्ट में काम करना है वो आपने करना है इसके डी ई एफ और थर्ड का भी डी ई एफ, ठीक है बच्चों, ये आपने 6 पार्ट्स करने हैं अपने एस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।